वेलकम टू लाइव स्टडी डियर स्टूडेंट्स, गिरिराज के हिंदी सारांश में मैं केएस ठाकुर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करता हूं। थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि ये हमारा जो सारांश की सीरीज चली हुई है थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन मैं आपको एक दो दिनों में ये पूरी अप टू डेट आपको फरवरी महीने तक की उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये हमारा गिरिराज सारांश आपके आगामी HS लाइट सर्विसेज, नायब तहसीलदार, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्लर्क या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या सबऑर्डिनेट द्वारा किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसमें निश्चित तौर पर आपकी हेल्प करेगा। आइए शुरुआत करते हैं 24/1/2018 के सारांश का। सबसे पहले इसमें एक समाचार पत्र इस गिरिराज में प्रकाशित हुआ था जिसको टाइटल दिया गया था हिमाचल 2022 तक होगा क्षय रोग मुक्त। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है कि भारत को कब तक क्षय रोग या TB से मुक्त करवाया जाएगा, तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025 तक। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जो कि बिलासपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि 2025 तक भारत को हम लोग इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा दिला देंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो 2022 तक ही कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स मेन की तैयारी में है थोड़ा सा उनको मैं यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ कि भारत में TB की क्या क्या सिचुएशंस बनी हुई है। देखिए हर साल 4.8 लाख से अधिक भारतीयों की जान TB से चली जाती है। देश के प्रतिवर्ष 28 लाख से अधिक TB मामले दर्ज किए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने भारत मंत्रालय के लिए बेहतर फंडामेंटल की ओर बढ़ रहा है। देखिए उन्होंने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो स्वास्थ्य में अच्छा बजट मुहैया करवा रही है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा सके। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको केयरफुली सुनिएगा। GDP के संदर्भ में धन 3-4% होना चाहिए। देखो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो वैश्विक स्वास्थ्य संचालन की संस्थाएं हैं उनका आंकलन है कि जितना हमारा GDP है उसका 3-4% स्वास्थ्य के सेक्टर पे खर्च होना चाहिए, लेकिन भारतवर्ष में ये बहुत ही कम है। अभी देखिए 2017 में जो स्वास्थ्य नीति बनी है उसके अकॉर्डिंग टू 2.5% का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, मतलब एट प्रेजेंट मान के चले तो हम 2% के आसपास ही खर्च कर पा रहे हैं। 2.5 तक उसको बढ़ाने की जरूरत है, जबकि हमें इसका लेवल क्या चाहिए 3-4% तक होगा तभी हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आपने अपने दिमाग में रखना है। आपको प्रश्न आ सकता है कि हिमाचल का लक्ष्य कब है, तो आपने इसको पिन करना है कि 2022 तक हिमाचल का है, 2025 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और जो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य नीति बनाई गई है वो किस वर्ष बनाई गई है, वर्ष 2017 में बनाई गई है। आगे आपको अभी जैसे नवगठित हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी है, तो इस सरकार के बनने के बाद इनका जो फर्स्ट सेशन हुआ जिसको राज्यपाल ने अभी अपने अभिभाषण वहाँ पे प्रस्तुत किया है, आपको ज्ञात ही होगा कि जब हमारे पास नई लोकसभा या नई विधानसभा का गठन होता है तो उसकी जब नई सरकार बनने के बाद जो प्रथम सत्र होता है उसको राज्यपाल विधानसभा में और लोकसभा में राष्ट्रपति उसको अभिभाषण देता है। तथा बजट सत्र में भी क्या होता है, विधानसभाओं में राज्यपाल तथा लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो हिमाचल प्रदेश में भी राज्यपाल का अभिभाषण सदन में मुख्यमंत्री का उत्तर। देखिए यहाँ पे एक कंपैरेटिव जो मेन से फैक्ट्स है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया, पूरा का पूरा कंक्लूजन है उसका कि क्या डिमांड थी, क्या सरकार काम कर रही है, किस विजन को लेके काम कर रही है। गवर्नर के जो अभिभाषण है उसको मुख्यमंत्री के अभिभाषण के साथ में यहाँ पे इंटरलेट करके आपको प्रस्तुत करवाया जा रहा है। नंबर वन, विकास कार्यों को तेजी देने के लिए सभी विभागों द्वारा 100 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह आपको ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जैसे सत्ता संभाली उसके बाद 100 डेज का टारगेट सेट करने के लिए सभी विभागाध्यक्ष जितने भी उनको निर्देश किया कि आप 100 दिन का एक टारगेट निर्धारित करें, उसका आंकलन करें और उसके बाद देखिए सरकार की कितनी सेवाएं आम आदमी तक पहुँचाई जा रही है। नंबर सेकंड, पूर्व सरकार के 6 माह के निर्णयों की होगी समीक्षा। देखिए जो भी नई गवर्नमेंट बनती है ये उनके क्षेत्राधिकार में होता है कि वो पिछली गवर्नमेंट के 6 महीने के जितने भी निर्णय होते हैं कैबिनेट में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनको वो रिव्यू कर सकती है। देखिए ये रिव्यू क्यों किया जाता है, ये माना जाता है अक्सर डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग सोचे कि वो लास्ट के 6 महीने होते हैं चुनाव जीतने के लिए सरकारें मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ लोक लुभावनी घोषणा कर देती है जो कि हमारे हो सकता है फाइनेंस के अकॉर्डिंग टू सही ना हो या वोट बैंक को बढ़ाने के लिए की गई हो। तो इन निर्णयों को कोई भी सत्ता में कोई भी सरकार आया तो उनको रिव्यू करने की एक परंपरा सी बनी रहती है। अगला पॉइंट,
रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र व स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। मैं बार बार अपने लेक्चर में भी ये करता हूँ या जिस समाचार पत्रों में मेरे लेख प्रकाशित होते वहाँ में मैं एक बात बोलता हूँ कि सरकार को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि सभी लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध नहीं करवा जा सकती है। इसके लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है वो स्वरोजगार का ही है। इसके ऊपर सरकार को एक अच्छी नीति बनानी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी स्कीम इसमें आगे बढ़ रही है। ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा संकेत है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा एम्स व 69 राष्ट्रीय मार्गों की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। देखिए आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में 69 जो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो हमारे पास लिंक रोड थे या स्टेट हाईवे थे उनको किस में तब्दील किया जा रहा है, NH में उनको तब्दील किया जा रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है छोटे से हिमाचल के लिए 69 NH मिलना। उसके अलावा ही जो एम्स बिलासपुर के कोठीपुरा में मेडिकल का इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है उसके लिए इनका थैंक्स किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगला प्रश्न, आपराधिक मामलों पर नजर रखने के लिए गुड़िया व होशियार हेल्पलाइन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुड़िया जो हेल्पलाइन है आपने याद रखना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। जो होशियार हेल्पलाइन है करप्शन से लड़ने के लिए होशियार हेल्पलाइन को बनाया गया है। देखिए इसमें क्या किया गया है, एक उधर CM ऑफिस शिमला में एक सेल बनाया गया जिसके अंदर 24 आवर्स या 48 आवर्स में उसकी एक रिपोर्ट बना के इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में इनके नंबर्स भी डिस्प्ले किए थे, यदि आपको भी इस तरह की कोई सूचना मिलती तो आप लोग भी सरकार का इसमें हाथ बंटवा सकते हो। महिला उत्पीड़न के मामलों में अनुश्रवण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में सेल होगा गठित। ठीक है, यदि महिला हरासमेंट का कोई भी मैटर्स आता तो CM ऑफिस में इसका भी एक अलग से सेल बनेगा। सूर्य के परिवारजनों को 3 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए, यदि आप लोग अच्छे तरीके से कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे फैक्ट्स, गवर्नमेंट किस सेक्टर में काम कर रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, कौन सा सेशन हो रहा है, उसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कशन किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में होनी चाहिए। देखिए इसका सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आजकल अक्सर इस तरह से भी देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे, यदि आप इसकी प्रीलिमरी की बात करें उसमें फैक्ट्स ज्यादा आते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए कि सूचना किससे संबंधित है, नंबर वन। नंबर सेकंड, फैक्ट्स के ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर थर्ड, हमने प्रीलिमरी के साथ में मेन की तैयारी भी करनी है ताकि मेन के लिए भी हमारे दिमाग में मटेरियल बनता रहे। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे क्या किया गया, रचना गुप्ता है जिनको लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका कार्यालय कहाँ पे है, निगम बिहार शिमला में है, छोटा शिमला के समीप में ही स्थापित किया गया है। देखिए 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल को पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई तो उसी टाइम से यह जरूरत भी महसूस की गई कि हिमाचल प्रदेश की अपना एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए जो कि क्लास 1 और 2 की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ इस स्लाइड में कि जो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर था ये त्रिस्तरीय था। एक अध्यक्ष होता था, 2 इसके मेंबर होते थे। आपने इस चीज़ को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बने थे, उनका नाम था KS कटोच, आई थिंक कश्मीर सिंह कटोच इनका पूरा नाम था। तब देखिए 2 सदस्य होकर थे, दूसरे सदस्य थे हंसराज महाजन जो कि IAS रिटायर्ड थे और तीसरे थे PC स्टोक्स। तो 3 स्तरीय था। देखिए ये सूचना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि जो अभी हाल में ही भाजपा की नई नवगठित सरकार बनी उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है। 3 से पहले 4 था, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसका स्ट्रक्चर को 5 कर दिया है। ठीक है, तो मैंने 20 का निकाल दिया, आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का ही याद रखना है। तो एट प्रेजेंट जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें कितने सदस्य है, 5 है, 4 मेंबर है और 5 में उसके प्रेजिडेंट है या चेयरमैन है। तो यहाँ पे चेयरमैन किसको बनाया गया है, DBS राणा जी को बनाया गया जो कि जिला कांगड़ा से है। इसके साथ में इनके जो 4 मेंबर है उसमें है मान सिंह है, उसके बाद मोहन चौहान है, उसके बाद मीरा बालिया है। अब देखिए जो 5वें यहाँ पे आए हैं, देखिए इन चारों का कार्यकाल था, तो भाजपा की सरकार ने यहाँ पे क्या किया, इसके जो इसका स्ट्रक्चर था उसी को वृद्धि कर दिया। उन्होंने बुलाया कि हम इसको 5 स्तरीय ले जाएंगे। तो जो 5वें बनाया गया उनका नाम है डॉक्टर रचना गुप्ता। तो रचना गुप्ता लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गद्दीनों राजभवन में रचना गुप्ता को एक सादे व गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। देखिए नंबर 1,
ये प्रश्न यहाँ से आने वाला है। आने वाला क्यों है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर को भी चेंज किया गया, पांचवें मेंबर को भी ऐड किया गया है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो HPPSC के मेंबर्स होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? आपने याद रखना है, राज्यपाल जो गवर्नर होता है वो उनको ओथ दिलाता है। आचार्य देवव्रत जी ने इनको अभी ओथ दिलाई है, जो कि पांचवें मेंबर बने, जिनका नाम है डॉक्टर रचना गुप्ता। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर डीजी ठाकुर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त गई। सीधा स्टैटिक जीके का प्रश्न है। जो हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग है उसकी अध्यक्षा किसे बनाया गया है? डॉक्टर डीजी ठाकुर को बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल है 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। बस आपने इतना ही याद रखना है। आगे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए और भी इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ, और भी डीप, जो HES लाइट सर्विसेज या नायब तहसीलदार की तैयारी में थोड़ा सा एक नज़र इसके ऊपर दौड़ा लेना। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको बता दिए कि हिमाचल प्रदेश जो स्टेट यूनिट बनी थी उसी टाइम क्या था, HPPSC भी बनाया गया था 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, उसके बाद जो इसका एक्ट था, किस एक्ट के इसको बनाया गया था, तो ये 1971 में आया था, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन 1971 बर नोटिफाइड बाय द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 8th अप्रैल 1971 को किया गया था। आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ मैंने एक आर्टिकल आप लोगों के लिए ले आया हूँ, जो स्टेट का हमारा क्या होता है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो आर्टिकल 318 के अकॉर्डिंग टू काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 में जो राज्य स्तरीय पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका वर्णन किया गया है। जो हमारा UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, साहस और रोमांच की उड़ान ने सवारी लोगों की जिंदगी। देखिए, सबसे पहले तो जब भी इस तरह के खेलों की बात की जाए, जो पैराग्लाइडिंग है या इससे संबंधित जो साहसिक खेल है, जितने भी की जाते हैं बीड़ बिलिंग में किए जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे इस प्लेस को ही दिखाना था, इतना सुंदर प्लेस है, एक जिला कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो पैराग्लाइडिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में जो सबसे प्रमुख स्थान है उसका नाम क्या है, बीड़ बिलिंग है, जिला कांगड़ा में ये पड़ता है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लू कलर में हाईलाइट भी किया है, इसको एक बार रिमेम्बर कर लीजिएगा। यह स्थान पूरी दुनिया के नक्शे में 2014 में आया, जब यहाँ पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। आपने याद रखना है, बीड़ बिलिंग किसके लिए फेमस है, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पड़ता है, जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए या हैंग ग्लाइडिंग के लिए विश्व विख्यात है। 2014 में यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। इसके बाद 2015 से यहाँ पर वर्ल्ड कप का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। बस आपने इतना ही याद रखना, 2014 में प्री वर्ल्ड कप किया गया था, 15 के बाद यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पैराग्लाइडिंग का विश्व स्तरीय वर्ल्ड कप का आयोजन इस स्थान पे किया जा रहा है। बीड़ व आसपास के गांवों के लोग अब इसी व्यवसाय से अपनी रोजी रोटी का जरिया बना चुके। देखिए, मैंने आपको सब रोजगार की बात की थी, इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है। हिमाचल प्रदेश में यदि बात करें तो हमारे पास जो टूरिज्म सेक्टर है, यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे, जो नेचुरल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं को डिवेलप करके हमें सब रोजगार को डिवेलप करना होगा। देखिए, बीड़ बिलिंग यदि वर्ल्ड कप होगा, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, दर्शक आएंगे, तो नेचुरली हमारे लोगों को क्या मिलेगा, इससे रोजगार भी मिलेगा। आपको पता ही, गिरिराज समाचार पत्र में कुछ प्रश्न भी, इसमें एक योगराज जी है, एक और कोई मैडम है, ये इसमें एक आंकलन से करते हैं, जो क्रंट्स रहती है कुछ पीछे का निकाल के हम भी इसको क्विक सा रिविजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न आएगा, सौभाग्य योजना किससे संबंधित, तो आपको मतलब होगा किससे है, बिजली से संबंधित है। क्या करना है, इस योजना पर 16,320 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, देखिए सौभाग्य योजना, आप नाम से सुनेंगे तो लगेगा किसी पता किस सेक्टर से रिलेटेड है, आपने याद रखना है सौभाग्य योजना किससे है, विद्युतीकरण की सुविधा को सुनिश्चित करना है, इससे संबंधित कौन सी योजना है सौभाग्य योजना, इसको प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रश्न डिस्कशन कर लेते हैं, भारत के छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, गोवा में, जो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा, तो वहाँ पे क्या किया गया, अभी जो हमारे 36th नेशनल गेम्स, उनका आयोजन वहाँ पे किया गया है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए किसके नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नई शिक्षा नीति ला रही है, जो वर्तमान स्तर में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें अनेक तरह की त्रुटियां, उनको दूर करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं
के कस्तूरी रंगन। भारत और बांग्लादेश के मध्य किस यात्री रेलगाड़ी का परिचालन नवंबर 2017 से किया गया? तो इस रेलगाड़ी का नाम है बंधन एक्सप्रेस। यदि मैं आपसे पूछूं कि बंधन एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है किन दो देशों के बीच में चलती है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने रिकॉर्ड 5वीं बार महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? यदि आप लोग एक एक्टिव कंपटीटर है तो आपको पता होगा, जब महिला मुक्केबाज की हम लोग बात करते हैं तो किसका नाम हमारे पास आता है? सबसे पहले हमारे पास नाम आता है मैरी कॉम का, ठीक है, जो कि राज्यसभा से सांसद भी है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहां से की थी? तो ये सिंगापुर से की थी। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है, जिसमें आप लोगों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान में दी गई है, उसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। खग चंजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गंगटोक सिक्किम में है। देखिए, इस तरह के प्रश्न एक HS में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, अलाइड में भी मिलेगा, NTTW एटसेट्रा सब में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो सारे हमें याद भी नहीं रहते, अब इस तरह से कोई एक आपको किसी ने पढ़ाया होगा या हाईलाइट करके रखा होगा, तो कई बार उस तरह का आ जाता है तो हमारा प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। क्या नाम है इसका? खग चंजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गंगटोक सिक्किम में। गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है। पौधे के किस भाग में प्रायः प्रांगणों का निर्माण होता है? उत्तर है फूल में। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? उत्तर क्या है? जम्मू कश्मीर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त। नाको झील प्रदेश के किस जिले में है? कहाँ पे है भाई? किन्नौर में है। जिलों का आपको मैं हिमाचल प्रदेश का जो हमारा सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें अच्छे से आपको कवर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का गृह जिला कौन सा? सबको पता ही है, कहाँ से है? मंडी से है। गोविंद सागर है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 17 आएगा, आगे सॉरी 15 आएगा। गोविंद सागर राज्य जीव बिहार कहाँ पे है? जिला बिलासपुर में है, ठीक है। तो आपका ये 15 प्रश्नों का एक क्विक सर्विसन हो गया। आगे देखिए, अगली एक न्यूज आप लोगों के लेकर आया हूँ, साल भर विश्व में जुड़ा रहेगा लाहौल स्पीति। देखिए, जो यहाँ पे एक टनल बन रही है उसके बारे में आपने याद रखना है, जो लाहौल स्पीति से एक टनल बनेगी, इसका जो जिसको रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, इसका जो डिस्टेंस है कितना, 8.8 किलोमीटर तक है, ठीक है। कहाँ पे बन रही है? लेह मनाली हाईवे पे बन रही है। इसकी इनॉग्रेशन कब की गई थी? 28 जून 2010 को भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए, इस सुरंग के बनने से जो हमारा लेह मनाली वाला क्षेत्र है, ये पूरे वर्ष भर क्या होगा, पूरी दुनिया से जुड़ा रहेगा। यदि बर्फ़ पड़ती है उसके बाद तो उनका जुड़ाव कट जाता है पूरी दुनिया से। देखिए, 8.8 किलोमीटर की ये सुरंग है, जिसका निर्माण 2010 से किया जा रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक या 2019 तक इसका निर्माण कम्प्लीट कर दिया जाएगा। 46 किलोमीटर ये इसकी जो लेंथ है एट प्रेजेंट, उसको रिड्यूस कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये रोहतांग दर्रा है, इसकी यहाँ पे मैंने आपको हाइट भी बताई है, 13050 फुट ऊंचे विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे की बर्फीली पहाड़ियों की तलहटी से बनने वाली जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर है, ठीक है। मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और जम्मू कश्मीर के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है, क्लियर हो गया। यह साल में केवल 4-5 महीने के लिए खुला रहता था, अक्टूबर में बर्फबारी होने के कारण बंद हो जाता था, और उसके बाद अप्रैल या मई में खुलता। जब यह सुरंग बन जाएगी तो 12 मंथ एंड 24 आवर से चलता रहेगा, ठीक है। यह मनाली को लाहौल स्पीति और जास्कर से भी जोड़ता है, ठीक है। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है उसके लिए भी जोड़ने के लिए यही एक राजमार्ग है, ठीक है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का ही भाग है, क्लियर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक क्विक सर्विजन, ये आपको मैं पूरा का पूरा गिरिराज का सारांश डिस्क्रिप्शन करता हूँ, उसके बाद जो मुझे लगता है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लोगों ने नोट करते रहना है, ठीक है। अभी तो मैंने इनको हैंड रिटन में शुरू किया, आप लोगों का मुझे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है इस चैनल पे, तो मैंने इसको अभी टाइपिंग अच्छे से आपको ये उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इसकी PDF भी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, सारी की सारी PDF इसकी अपलोड कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 62 नए घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्गों की
विस्तृत परियोजना कब तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें कितने दिया है, 69 किया था, तो 62 के लिए उन्होंने निर्देशित किया कि 31 मार्च 2018 तक इनकी DPR बना के आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर दें। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर देखने में आ रहा था कि डिपार्टमेंट कोई कोताही बरत रहा था, कई तरह के डिस्प्यूट उसमें खड़े हो रहे थे कि इनकी DPR नहीं बन पा रही थी, तो CM साहब ने अभी 62 के लिए डायरेक्ट ऑर्डर किया है कि आप लोग क्या करें, 31 मार्च 2018 तक इनकी जो भी इसकी DPR है उसको बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश कब तक क्षयरोग मुक्त होने का लक्ष्य, अच्छे से आपका प्रश्न हो गया, 2022 तक हमारा लक्ष्य है, 2025 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने हाल ही में शपथ ली है, प्रश्न आपको पहले बता दिया गया है, डॉक्टर रचना गुप्ता, एट प्रेजेंट उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, 5 स्ट्रक्चर, उसमें 5 मेंबर्स, उसमें जो 4 मेंबर्स है, 5 में उसमें चेयरमैन को जोड़ दिया गया है। जो डॉक्टर रचना गुप्ता ये कौन से, राज्य संपादक थे दैनिक जागरण समाचार पत्र के। हिमाचल प्रदेश राज्य में महिला आयोग की अध्यक्षा कौन बनाई गई है, डॉक्टर डीजी ठाकुर को बनाया गया, जिनका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्ष का। गुड़िया हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की रिपोर्टिंग कितने समय में मुख्यमंत्री कार्यालय भेजनी होगी, 48 आवर्स में भेजनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुड़िया हेल्पलाइन किससे रिलेटेड है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार या रेपिंग के केस यहां पे भेजने होंगे, 48 आवर्स में CM साहब ने जो अलग से अपने कार्यालय के साथ में सेल बनाया, वहां से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मनाली के सुप्रसिद्ध हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण कब किया गया था, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, वर्ष 1553 में जो मनाली की कुल देवी के रूप में भी पूजी जाती है माता हिडिंबा देवी, ठीक है, तो उनके मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में किया गया था। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 13050 फीट। रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है, 8.8 किलोमीटर आपको मैंने बता दी, जो कि 46 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, और किसमें बनाया जा रहा है वो, ठीक है, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर उसमें वीडियो में बता दिया गया है। बीड बिलिंग कांगड़ा में 1980 में किसने किसके प्रयासों से हैंग ग्लाइडिंग शुरू की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीड बिलिंग जो जिला कांगड़ा में एक हैंग ग्लाइडिंग का सुप्रसिद्ध स्थान है, जहां पे 2014 में प्री वर्ल्ड कप की आयोजन किया गया था, 2015 में वहां पे उसका विश्व वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, किसने इसकी शुरुआत की थी, तो इजराइल के किथ तथा न्यूजीलैंड के नील ने इस बीड बिलिंग स्थान को देखा था कि ये इस तरह की हैंग ग्लाइडिंग के लिए यहाँ पे विश्व स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सकता है, तो उन्होंने यहाँ से इसकी शुरुआत की थी। बीड बिलिंग में प्रथम हैंग ग्लाइडिंग वर्ल्ड कप कब हुआ था, देखिए जो पहले इसमें शुरुआत कर दी गई थी कब कर दी, 1984 से कर दी गई थी, पर विश्व विख्यात कब हुआ था, 2014 में प्री वर्ल्ड कप से 2015 के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली इसका आयोजन किया जा रहा है। बीड बिलिंग में कब से हर वर्ष हैंग ग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जा रहा है, वर्ष 2015 में। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए SJBN के अध्यक्ष व मुख्य प्रबंधक श्री नंदलाल शर्मा ने कितनी राशि का योगदान दिया है, 1 करोड़ उन्होंने क्या किया, जो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए गरीब असहाय या जो भी बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनके लिए सरकार हेल्प करती है, ठीक है, तो 1 करोड़ की यहाँ पे इनका अनुदान दिया गया है। मैंने आपको इस प्रश्न में भी बताना था कि जो SJBN है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो एक बनाई गई है यहाँ पे, तो उसके अध्यक्ष कौन है, श्री नंदलाल शर्मा जी है। तो डियर स्टूडेंट्स, गिरिराज के सारांश में इतना ही, जो आगे के कुछ हमारे पेंडिंग वीडियोस है इसके गिरिराज की, आपको 1 या 2 दिनों में सारे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पिछला हमारा ये गिरिराज सारांश था उसको बहुत ही अच्छे से उसको आप लोगों ने देखा, अच्छी कमेंट्स मिली, तो इससे मेरी भी मोटिवेशन मिली रहती है। मुझे आप लोगों को मैं बार बार बताता रहता हूं कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऐसा वेब पोर्टल बनाने की एक मुहिम है कि जिसमें हर कोई पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी हो सकता है आपको इसकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, या हो सकता है आपको कोई PDF मिले उसमें रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, या कुछ और तरह की त्रुटियां भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे हमारी मोटिवेशन बढ़ेंगी और मैं इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट से इस अपने चैनल को आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी तरह से पहुँचाता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से पुनः एक रिक्वेस्ट कि आप लोग सभी क्या करें, यदि आप लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसका लिंक जरूर भेजें और कीप वॉचिंग लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।